जी हाँ दोस्तों, काइन मास्टर से वीडियो बनाना हुआ आसान। 2 मिनट में आप लोग काइन मास्टर से क्रिकेट वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब पर डालकर लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं, वीडियो कैसे बना सकते हैं, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है, होना चाहिए जिसमें वाटर मार्क नहीं रहता है। तो वो काइन मास्टर आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए देख सकते हैं, जैसे ही आप काइन मास्टर ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे प्लस वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक जैसे कीजिएगा तो आपके सामने में 3 फॉर्मेट दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको 16:9 वाला रेशियो सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको यूट्यूब पर वीडियो डालना है तो यही वाला रेशियो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो भी खिलाड़ी का आप फोटो डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली गूगल से जाके डाउनलोड कर लेना है। कोई कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं आएगा, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक छोटी मोटी बात है। डाउनलोड कर, जैसे विराट कोहली पर बनना है तो विराट कोहली का पिक्चर आपको डाउनलोड कर लेना है, जैसे सूर्य कुमार यादव पर बनना है सूर्य कुमार यादव का कर लेना है। उसके बाद सिंपली इस तरह से आपको यहाँ तक कर लेना है जहाँ तक हम बताए हैं काइन मास्टर में। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ ऊपर में एक मीडिया वाला सिंबल दिखेगा, सिंपली मीडिया वाला पर जैसे क्लिक कीजिएगा, देख सकते हैं मैं यहाँ डाउनलोड करके रखा हूँ, यहाँ मेरा फाइल है पिक्चर। पिक्चर पर क्लिक जैसे ही क्या हूँ, यहाँ सब खिलाड़ी का फोटो आ गया। जैसे हमको यहाँ पे जो जिस पर मैच बनना है उसका से फोटो सेलेक्ट करना है, मुझे इंडिया टीम के ऊपर मैच बनाना है, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट, कम से कम 1.5 मिनट तक वीडियो बनाना है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई मतलब यहाँ तक तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपको यहाँ इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जहाँ जहाँ पर आपका ये कट दिखेगा इस पर क्लिक करके यहाँ पे करके यहाँ पे कुछ इस तरह से एनिमेशन को लगा देना है, सारा पर लगा देना है कुछ इस तरह, ताकि वीडियो थोड़ा प्रोफेशनल दिखे, तो लगे कि हाँ वीडियो मेरा है, वीडियो में जान है। तो कुछ इस तरह से सारा यहाँ पे लगा देना है आपको, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। सिंपली इस तरह से लगाने के बाद आपको आपका पूरा वीडियो यहाँ तो तैयार हो गया है बनके। अब इसमें चाहिए कि आपको वॉइस ओवर करना है, तो कैसे आप बोलें, मतलब जानकारी जो देना है तो पहले उसको सही से आपको याद कर लेना है, मतलब कि एक क्या वो स्क्रिप्ट कर लेना है, ठीक है। उसको स्क्रिप्ट करके लिख लेना है, आलतू फालतू न्यूज नहीं बनाना है अपना से, पहले उसको सही से उसको याद कर लेना है। या तो अगर अच्छा से आप बोलने जानते हैं तो सही से पहले उसको समझ के ही बोलना है, ये नहीं कि गलत गलत बोल देना है। क्रिकेट कंटेंट जैसा गोविंदा भाई जो बनाता है तो वैसे नहीं बनाना है। अब वीडियो में यहाँ आवाज़ देने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ इस तरह से मैक आपको खोल लेना है, स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करके वॉइस ओवर करना है, जैसे कि मैं अभी सिंपल आपको बता देता हूँ करके कैसे किया जाता है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से बोलिएगा कि हेलो दोस्तों, बता दूं कि हमारे इंडिया टीम ने जीत कर फाइनल मैच में पहुंच गया है, तो क्या कवर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में, कुछ इस तरीके से आपको बोलना है। जहां तक आपका वीडियो पूरा हो जाएगा सिंपली वहां पे आपको स्टॉप कर देना है। जैसे ही स्टॉप कर दीजिएगा तो वहां तक आपका रिकॉर्डिंग कम्प्लीट हो जाएगा और बाकी आप वहाँ तक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, और इस तरह का वीडियो आप बनाइएगा तो आपका वीडियो चलेगा। और यूट्यूब पर ये अभी ट्रेंड चल रहा है, आप क्रिकेट कंटेंट बनाइएगा तो अभी वर्ल्ड कप T20 भी चल रहा है, जो जो मतलब कि वायरल न्यूज रहेगा उस पर आप वीडियो बनाइएगा तो आपका वीडियो फाइनली 100% चलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्सपोर्ट अगर करना है तो आपको सिंपली इस तरह से यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे किया जाता है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको पता ही होगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।